हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक डिज़र्ट की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस सागो पुडिंग यानी कि साबूदाना की पुडिंग की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत ही टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साबूदाना पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3/4 कप के करीब लिया है साबूदाना, जिसे मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। और इस तरह से ये देखिए सॉफ्ट हो गया है 2 घंटे के बाद। तो अब हम इसकी बनाएंगे पुडिंग। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया, उसमें मैं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे 1/2 कप के करीब, और इसे अच्छे से घोलेंगे और लम्प फ्री एक स्लरी बना लेंगे। तो इस तरह से हमने एक स्लरी जो है वो कस्टर्ड पाउडर की बना के रख ली है। तो एक पैन लिया है, इसमें मैंने 5 ml के करीब यानी कि 1/2 किलो के करीब लिया है दूध, और दूध को हम कर लेंगे गरम और इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे दूध को मैंने रख दिया गरम होने के लिए। तो दूध हमारा गरम हो गया है, तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप के करीब डाली है चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और इसे हमें लगातार इसी तरह से चलाते रहना है जब तक कि हमारी चीनी जो है वो डिसॉल्व नहीं हो जाती, अच्छे से घुल नहीं जाती। तो चीनी घुल गई है, तो अब इसमें डाल देंगे साबूदाना, और साबूदाना डालने के बाद इसे हमें 5 से 6 मिनट तक बहुत ही अच्छे से चलाना है और लगातार इसे चलाते रहना है ताकि जो साबूदाना है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो लगातार इसे चलाते हुए हमें बस पकाना है। तो 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए मैंने जो साबूदाना अच्छे से पका लिया है और काफ़ी फूल गया है, तो अब इसमें डाल देंगे जो हमने कस्टर्ड की स्लरी बना के रखी थी। तो उसे धीरे धीरे करके डाल देंगे और स्लो गैस पर हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छे से पक जाए और पुडिंग हमारी रेडी हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है, कहीं भी बीच में छोड़ना नहीं, नहीं तो ये कस्टर्ड जो है वो नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, गैस अभी मैंने बंद कर दिया है, तो इसे अभी हमें ठंडा कर लेना है। लेकिन इसे हमें लगातार चलाते रहना ताकि जो इसके ऊपर जो वो लेयर एक मलाई की बन जाती वो ना बने। तो यहाँ पे देखिए इसे लगातार चलाते हुए मैंने ठंडा कर लिया है, इतना ठंडा हो गया है। तो इसे हम, तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से, ये छोटे मेरे पास कप्स हैं उसमें मैं डाल रही हूँ, तो इसी में मैं सर्व भी करूँगी। आप चाहे तो किसी भी कंटेनर या बॉल में आप इसको डालकर ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यह कप्स लिए हैं, उसमें मैं डाल रही हूँ, तो ये नॉर्मल जो टेम्परेचर पर है। तो अब इसे हम गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट, इसमें मैंने पिस्ता और बादाम का यूज़ किया है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कुछ फ्रूट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट के साथ भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से फिल करने के बाद हम रख देंगे फ्रिज में, 2 से 3 घंटे में ये ठंडा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देखिए फ्रिज में से मैंने इसे निकाल दिया और यम्मी पुडिंग जो है वो बनकर रेडी हो गई है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।